देखे नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। आज हम पहुंचे हैं नागरदेवले गांव। ये अहमदनगर जिला के अंतर्गत ये गांव है। हमारे शायद भैया पठान यहां पर रहते हैं, इन्होंने मुझे फोन किया था। हमारे रेस्क्यूअर पहले ही पहुँच चुके थे, लेकिन उनके पास ये रेस्क्यू का किट नहीं था, इसलिए उन्होंने सांप रेस्क्यू नहीं किया। सामने खेत है, वहीं से कई सांप आया और घर के पास कई मार्बल में छुपा हुआ है। तो दोस्तों बने रहना वीडियो में, देखते कहां पर सांप है और कौन सा सांप है, उसको पकड़ करके सुरक्षित जगह पर हम रिलीज करेंगे। थोड़ा नहीं, पूरा निकालना पड़ेगा। कौन सा सांप है, दिख रहा क्या? आकाश कौन सा है? जान नहीं, जगह नहीं। किसको देखने का था? आ इधर निकल गया। उसको बोला अंदर से। कौन सा है? कोबरा है, कोबरा। बहुत ज्यादा गुस्से में। स्टिकर हो बैक निकलो, बाहर निकलो उसको। बहुत ज्यादा एंग्री थी। उसको बुला, वो सबको देखने का था ना, घर में से खिड़की में बुला, बोला निकल गया। देख बोलना कैसे निकला, बोला रहे उसको घर में से किसको देखने का था। अरे रुकना बच्चे, क्या निकला ना दोस्तों? आप देख सकते हैं, आई गए वो एक कोबरा सांप यहाँ पर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव गुस्सेल। दोस्तों यह एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे हम हिंदी में नाग, हिंदी में एक और नाम है गेहुअन, बंगाली में खरीस, बंगाली में एक और नाम है कोकरो और मराठी में नाग, पंजाबी में पदम, वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा, इसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा। दोस्तों ये सांप बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसके काटे जाने पर बचना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सांप से सतर्क रहे, दूरी बनाकर रखे, अपने घर के आसपास दिखाई देते ही अपने जिला के वन विभाग से कांटेक्ट करिए, या फिर आप हमारी तरह जो रेस्क्यू टीम होती है उनको फोन कर सकते हैं। लेकिन सांपों को मारे नहीं, क्योंकि सांप और अन्य सभी जीव जंतु पर्यावरण का हिस्सा होता है, इन्हें पर्यावरण में बचा रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसलिए घर पे, घर के आसपास सांप दिखाई देते हैं, आप मारे नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट के वन विभाग से कांटेक्ट करिए। दोस्तों अब देख सकते हैं काफ़ी गुस्सेले कोबरा ऐसा ही होता है, भूल चूक से काम में ध्यान नहीं रहता और हम सांप के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तो वो इस तरह बाइट करता है। आप देख सकते हैं इस तरह वो बाइट करता है। तो सांप कब कब काटता है, एक बात हमेशा याद रखिए, सांप जब हम सांप के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं तब सांप काटेगा, या फिर गलती से हम इसके ऊपर पैर दे देंगे तब सांप काटेगा,
या फिर हम गलत तरीके से सांप पकड़ेंगे तब सांप काटेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से सांप पकड़ते हैं, उनको सांप काट लेता है। इसलिए हम चेतावनी देते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि आपके घर के आसपास कहीं भी सांप निकलता है तो किसी ने भी सांप को पकड़ना नहीं है। बिना जानकारी की, बिना प्रशिक्षण प्राप्त की आप सांपों को बिल्कुल मत पकड़िए। तो आजकल के युवा लोग क्या करते हैं, जोश में सांप पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी जो है, युवा लोगों ने बिल्कुल भी बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सांपों को नहीं पकड़ना है। सांप पकड़ना एक कला है, आर्ट है। इसे सीखने के लिए लगभग 1-2 साल लग सकता है। लगभग 1 साल तक अध्ययन करना होता है, फिर किसी रेस्क्यूअर के पास आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तभी आप सांपों को पकड़ सकते हो। लेकिन हमारी सलाह है, बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कभी भी आप कोई भी सांप हो, जहरीला हो, बिना जहरीला हो, पकड़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा ही गुस्सेल सांप। चलिए अब इसको बाहर ले लेते चले। ये बच्चे लोग आओ पीछे, कोई बात नहीं, कहीं जाएंगे। अरे ये स्थान तेरे घर के पास शहबाज, ये स्थान ना शहबाज, ये साफ था ना है। दोस्तों इस सांप को हम सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे, वीडियो में बने रहिए। ये कोबरा अभी रेस्क्यू किया था, काफी आक्रामक ये कोबरा, अभी यहाँ पर हम रिलीज कर रहे हैं।